Welcome back to my channel. So today's video is going to be very interesting because आज हम करने वाले हैं try viral life hacks. और मैंने कुछ viral hacks निकाल के रखे हैं जो आप सभी लोगों ने भी देखे होंगे, but मैंने आप सबको try नहीं करा था तो मुझे पता नहीं है वो कैसे होने वाले हैं. And मैं ये first try कर रही हूँ. ये part one है viral life hacks का. तो देखते हैं आगे, अगर आपको इस video में interest आया तो इसके part two भी आ सकता है. तो let's get started. तो गाइस, हमारा पहला हैक होने वाला है स्केच पेन और हमारी लाइट के साथ. तो मैं करने वाली हूँ, आप सब समझ गए होंगे वैसे तो, स्केच पेन से अपनी ट्यूब को पेंट करने वाली हूँ. एंड देखते हैं हम क्या इफेक्ट आते हैं. वैसे मैंने कई वीडियोस में लोगों को देखा है अपनी ट्यूब्स को पेंट करते हुए और उनकी बहुत ही अच्छा डिस्को वाला इफेक्ट देती है, बट मैंने आप सबके ट्राई नहीं करा है. तो आप सभी के लिए ये हो रहा है ट्राई फर्स्ट हैक. तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दो एंड देखते हैं क्या इफेक्ट आता है. तो गाइस, फुल्ली पेंट हो चुकी है एंड अब टाइम आता है इसको ट्राई करने का. और यहाँ पे रिंग लाइट जली हुई है तो दीदी उसको भी बंद कर देंगे एंड देन देखेंगे इफेक्ट. और मैंने इस पे थोड़ा सा डार्क कलर करा है कि देखते हैं कि डार्क कलर का क्या इफेक्ट आता है. और सर बताऊं तो मैं पहली बार मैंने ये उतारी है, मुझे लगानी भी नहीं आती कैसे लगानी है. ये तो लग ही नहीं रही है, इसको लगाने के चक्कर में सारे हाथ भी गंदे हुए. कैसे घुसेंगे इसको? सिर्फ और सिर्फ पापा ही घुसेड़ सकते हैं, करंट ना लग जाए हमें. अच्छा, कोई है भी नहीं यहाँ, स्विच बंद है ना, फिर भी चलाने के बाद. क्या तूने ये कर लगाई? अच्छा ठीक है, समझ गई. अरे घुसड़ भी जाए यार, देखो ये क्या करा है हमने, क्या करा है हमने ये. ऐसा कर, नेक्स्ट हैक ट्राई करते हैं, ये तो हमने खुद ही फेल कर दिया. गाइस सॉरी, बाय बाय, बाद में मिलते हैं. तो गाइस, जो हम फर्स्ट हैक लाइट हैक ट्राई करने वाले थे वो तो खराब हो चुका है. तो अब जब पापा आएंगे ना तो हम पापा से लगाएंगे, हम थोड़े कुछ ज्यादा ही समझ जाओ. तो और देखो मेरे हाथ भी कितने खराब हो गए हैं, उसकी वजह से सारा जो कलर है हाथ पे आ गया, उसको दोबारा कलर करके और फिर लगाना पड़ेगा. तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे. एंड हमारा नेक्स्ट हैक अभी आपको बताती हूँ. तो हमारा नेक्स्ट हैक है, हमें गूगल बाबा पे कुछ चीजें लिखनी है और अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. एंड फिर उन चीजों को लिखने के बाद गूगल कुछ अजीब सा ही रिएक्ट करने लग जाता है. तो एक बार देखते हैं. तो हमें गूगल पे लिखना है ये मैंने लिखा है गूगल स्फीयर, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो. एंड हमें बस इसको सिंपली सर्च करना है और सर्च करने के बाद हमारे पास आएंगे रिजल्ट्स. एंड फिर हमारे पास जो फर्स्ट वेब पेज आएगा उस पर क्लिक कर देना है सिंपली. यही दिखा था मैंने तो. अब मुझे पता नहीं है ये रियल है या नहीं है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ. एंड ये हमारे वर्ड्स है, उसमें दिखा रहा था कि ये हिलने लग जाते हैं, वर्ड्स खुद घूमने लग जाते हैं, बट क्लिक कर एक बार स्क्रीन, कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे वर्ड्स तो. ओ भाई साहब, ओ कहा गया, ओ नीचे चला गया गूगल बीच में, वाओ. ओ तो ये हैक मैंने देखा था और ये फुल्ली पास हो गया है. तो इस हैक को पास करते हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे. तो गाइज, अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे हैक के साथ. और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मिल्क एंड मेरे पास यहाँ पे है तीन फूड कलर है ये, और पहला रेड कलर, येलो एंड पिंक. और ये है एक ट्रे. तो सिंपली हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ. और यस, मेन तो हम भूल ही गए. तो ये है एक कॉटन बॉल जिसके ऊपर हमने लगाया हुआ है डिटर्जेंट, कुछ भी लगा सकते हैं, डिश वॉशर उसमें यूं ही बोला गया था. तो अब देखते हैं कि क्या होता है. तो सबसे पहले मुझे करना है मिल्क को डाल लेना इस ट्रे में. गाइस, येलो थोड़ा सा ज्यादा डल गया है मेरे से, पर कोई नहीं. एंड हमें अब सिंपली ये है, इसके ऊपर मैंने डिटर्जेंट डाला हुआ है इजी, और इसको एकदम से इसमें गिर देना है. वाओ, तो गाइस ये है हमारा पास हो जाता है. वाओ यार, क्या इफेक्ट आ रहा है. तो आप सभी भी देखो गाइस, देखो ये कितना अच्छा आ रहा है. यहाँ पे ये कॉटन बॉल है और ये कलर, वाओ. तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये पास होगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बट ये मेरे जो मेरी थिंकिंग है उसके 100% अपोजिट चला गया है. और यहाँ पे देखो जो लाइन बन रही है कितनी अच्छी लग रही है. तो इसमें एसिड बेस वाला काम हुआ है,
हमारे जो डिटर्जेंट है वो एसिड है और ये जो कलर्स हमारे वो बेस है, और जैसे ही एसिड बेस में गया वो बेस फैल गया हमारा, तो कुछ इसी हिसाब से हुआ होगा। हम यहाँ पे साइंटिस्ट तो है नहीं, और अभी भी फैलने लग रहा है देखो। तो आई एम गिविंग इट अ बिग थम्स अप क्योंकि ये हैक हमारा हो जाता है पास। एंड अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे। देखो आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट हैक। सो अब मैंने ले लिया है यहाँ पे एक बोल में पानी थोड़ा सा, एंड हमें सिंपली क्या करना है, ये है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। तो इसको इस मतलब इस सब को देखने के बाद आपको हिंट तो नहीं लगा होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, बट आपको अब तो पता लग ही गया होगा मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैंने कई लोगों को देखा है ये हैक ट्राई करते हुए, पर ज्यादातर लोगों का ये हैक बस्टेड हो जाता है। बट अब मैं भी इसको ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत क्रेज आ रहा था अंदर से कि इसको तो ट्राई करना ही पड़ेगा। एंड अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। एंड मैं एप्पल से आज करने वाली हूँ अपना फोन चार्ज, और हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कि ये हो पाएगा क्योंकि ये कोई हैक ही नहीं है, मतलब ये पॉइंटलेस हैक है। क्योंकि अगर एप्पल से ही हो जाता है या फिर फ्रूट से ही हो जाता है तो हमारे लिए चार्जर क्यों बनाते हैं, मतलब क्यों। तो अब ट्राई करने वाली हूँ, और अब मैं ट्राई ना पता सच बताऊँ दीदी के फोन से करने वाली हूँ क्योंकि इनको भी तो गुस्सा आना चाहिए अगर कुछ हो गया इनके चार्जर वार्जर के साथ। अंदर तक घुसेड़ देती हूँ, चलो ज्यादा चार्ज हो जाएगा। एंड इसको कॉर्नर पर रख देती हूँ कभी गिर ना जाए। तो अब देखते हैं ये क्या हुआ। ओह सॉरी, ये मैंने उल्टा लगा दिया, मेरा दिमाग चल गया। तो अब देखते हैं कि हमारा फोन चार्ज होता है नहीं होता है। एंड आप सभी देख पा रहे हैं मैंने एकदम अच्छे से करा लिया भाई, कोई वो नहीं करा है, मैंने बीच में कुछ हार्ड नहीं करा है। देखो 50% बैटरी है और नो साइन ऑफ पावर से, पावर का कुछ भी साइन नहीं आ रहा है। चलो फिर भी वेट करते हैं थोड़ी देर। ए भगवान इसको कर देना, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। ढंग से लगा देती हूँ, कुछ और हटा के दूसरी जगह पे लगा के देखती हूँ। भाई बहुत ज्यादा लग रही है इसमें, लट्टू दो आंखें बना दी है मैंने सेम की, चार आंख बना देते हैं कोई बात नहीं। बिल्कुल इसको सॉल्ट के ऊपर रख दिया है। सो गाइस दिस हैक इज बस्टेड एट ऑल, और मुझे पहले ही पता था कि ये कुछ नहीं है, ये बकवास हैक एकदम। और जिसने भी सबसे पहले बना होगा अगर उसको चार्ज हो गया होगा ना तो अलग ही पीस होगा वो, हमारा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैंने कई सारे देखे जिन्होंने इस हैक को मतलब रॉन्ग ठहरा दिया, और मैं भी इस हैक को रॉन्ग ठहरा देती हूँ क्योंकि एप्पल सिर्फ और सिर्फ एक फ्रूट है और ये हमारे खाने के लिए है, ना कि फोन चार्ज करने के लिए। फोन चार्ज करने के लिए हमारे पास प्लग है तो हम उसमें लगा के चार्ज कर सकते हैं, जिसमें अभी हमारी रिंग लाइट लग रही है। तो गाइस पापा आ चुके हैं और पापा ने यहाँ पे लाइट लगा दी, और अब मैंने डिसाइड करा है कि लाइट लगाने के बाद ही मैं इस पे कलर करूंगी वरना फिर से सारे हाथ गंदे हो जाएंगे। एंड अब मैं कलर शुरू। सो गाइस दिस इज द बिफोर रिजल्ट विद रिंग लाइट ओनली, एंड अब जलेगी ये वाली लाइट। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं डिस्को फीलिंग के लिए, एंड अगर ये अच्छा इफेक्ट आ गया ना तो हम इसे ही लगे रहने देंगे और रोज बेड पे आके ऐसे से नाचेंगे हम तीनों भाई बहन। तो 1 2 3 And go! Yes! थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है। अभी इसको मैं अगर और डार्क कलर करूंगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, और पूरा कमरा मतलब पूरा पिंक पिंक सा लग रहा है। थोड़ा और डार्क कलर करके बाद में देखूंगी, बट ये हैक जो है मेरा पूरा पास जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और वो मेरी थोड़ी गलती थी कि मैंने थोड़ा सा कम कलर करा था शायद। तो इस पे अगर डार्क कलर करूंगी तो मेरे हिसाब से वो अच्छा इफेक्ट देगा। एंड इस पे अब मैं इसके बाद ग्रीन कलर करके देखूंगी, एंड हम तीनों भाई बहन नाचेंगे यहाँ पे, बहुत मजे उड़ाएंगे, पिलो फाइटिंग करेंगे जो कि सारे भाई बहन ही करते होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन। एंड मुझे ज्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं था, तो जो मुझे हैक्स लगे कि मैं आपको दिखा सकती तो वो मैंने दिखा दिए। अदरवाइज आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके बता सकते हैं कि मैं कौन से और हैक ट्राई करूं, एंड फिर मैं उन हैक्स को ट्राई करूंगी। या फिर अगर आपको सिंपली इसका पार्ट टू चाहिए, आपको कुछ ओपिनियन नहीं है, तो आप जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड इस वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ अगर आप उनके फेस पे स्माइल देखना चाहते हैं तो। एंड यस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग और कंटेंट के साथ, कंटेंट की क्या, तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।